Hello students, welcome to Best Education Classes. In today's video, we will be discussing the question answers of 11th Standard English, Poem 2.5, Nose versus Eye. This is a very nice poem written by William. Let us see the first, the icebreakers. First, आपको दो web दिख रहा होगा. इस web में आपको adjectives fill करने हैं, यानी कि क्या नोज़ और आइस क्या हमारे लिए करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स एडजेक्टिव्स आपको फिल करने हैं एज अ ऑब्जेक्टिव इसमें. नेक्स्ट है लीगल टर्मिनोलॉजी, यानी कि लीगल वर्ड्स हैं यहाँ पर कुछ, और वो लीगल वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन, यानी कि वो लीगल वर्ड्स का मीनिंग क्या है वो इसमें आपको बताना होता है. बेसिकली दिस क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय योर टीचर्स एज अ वार्मिंग अप सेक्शन बिफोर द लेक्चर्स. So from here you can prefer it. Name the five sensory organs and provide phrases, idioms, proverbs related to them. पांच जो हमारे sensory organs होते हैं, केंद्रियाँ होती हैं, उसके related आपको proverbs, idioms या फिर phrases लिखने हैं. चलो नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे पैराफ्रेज. पैराफ्रेज जो होता है वो आपका एप्रिसिएशन नहीं है. पैराफ्रेज में सिर्फ और सिर्फ आपको पोएम का एक जनरल एक एक्सप्लेनेशन होता है कि पोएम क्या कहना चाहता है, कहाँ तक उसकी थिंकिंग है. नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा एक एक्सट्रैक्ट पेज नंबर 88 का. ये जो पोएम है थोड़ी लेंदी है, सो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. आपको क्वेश्चंस भी उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा. फर्स्ट आपको दिख रहा होगा ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द पोएम, बट इस ट्रू और फॉल्स में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चूज करना है, पिक आउट करना है आंसर को. इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं. कमेंट द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डिपिक्ट इन द एक्सट्रैक्ट इन अ सेंटेंस और अ फ्रेज. तो जो हमारे दो कैरेक्टर्स हैं नोज और आइज, उसको हमको क्या करना है एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बताना है उसके बारे में. वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गिवन फ्रेज. जो हमको फ्रेज दिया है उससे हमें क्या समझ में आता है वो आपको बताना है. मीन्स एक सिंगल वर्ड या फिर एक एक्सप्लेनेशन में यू कैन टेल इट. इस वीडियो में स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बाकी टाइम पे जस्ट मैं स्लाइड डाउन कर दूंगा सो दैट हम लोग अपना टाइम कुछ बचा सकें. नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा स्टूडेंट्स, ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा तो आप लोगों को लिखने में भी बहुत टाइम जाएगा. जनरली मैं वीडियो में आंसर्स को स्लाइड कर दूंगा जो लेंदी आंसर्स हैं, सो दैट आप पॉज करके अपने वीडियोज़ को उसको लिख सकते हो, अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हो विदाउट एनी ट्रबल, विदाउट एनी प्रॉब्लम. अगर आपको जो वर्ड्स हैं वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहे होंगे, ब्लर दिखाई दे रहे हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है अपने सेटिंग्स में जाके यूट्यूब में और रेजोल्यूशन को इनक्रीज़ कर लेना है. जब आप रेजोल्यूशन इनक्रीज़ कर लोगे तो वीडियो आपको बहुत ही क्लियर दिखने लगेगा स्टूडेंट्स. अगेन ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. पोएटिक डिवाइसेस में देखते हैं, पोएटिक डिवाइसेस में क्या बताया है, एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन का इंटरप्रिटेशन, यानी कि वो एक्सप्रेशन क्या मीन करता है, क्या बताना चाहता है, उसके साथ में आपको इसको मैच करना है. कुछ क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे जो बहुत ही लेंदी है स्टूडेंट्स, तो आप घबराइएगा नहीं, जो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं आप उसको शॉर्टिफाई करके लिख सकते हो. बस आपको ध्यान देना है कि मेन जो पॉइंट्स हैं, मेन जो आंसर्स हैं वो स्किप ना हो किसी तरीके से, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. पोएट ने बहुत ही ह्यूमरस तरीके से, बहुत ही फनी वे में मॉक किया है उन्होंने डिसीजंस को, कि कैसे सब कुछ होते हुए भी, मीन्स सारे लोगों को पता रहते हुए कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ एविडेंस के ऊपर रिलाई करता है, एविडेंस के ऊपर ही एक्शन लेता है, इस तरीके से पोएट ने इसको मॉक किया है. ऑल दिस पोएम इज़ रिटन 200 ईयर्स बैक, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो आइडियोलॉजी है,
इसमें जो बातें बताई हैं वो सारी बातें हमारे आज के मॉडर्न सोसाइटी में भी एप्लीकेबल है। पोएट ने बहुत सोच समझ के इस पोएम को लिखा है। क्वेश्चन आंसर्स यहाँ ख़त्म हो गए स्टूडेंट्स। आपको लास्ट में अप्रिसिएशन दिख रहा होगा, सो आप यहाँ से अप्रिसिएशन लिख सकते हो, और एल्स आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं आपको कैसे किस तरीके का एक्सप्लेनेशन चाहिए अप्रिसिएशन का। हम उस तरीके से अप्रिसिएशन विद एक्सप्लेनेशन आपको बना के प्रोवाइड करेंगे। बस आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट सेक्शन में जाके हमें और भी आपके एजुकेशनल डिमांड्स के बारे में बताते रहना है, सो दैट हम लोग टाइमली आपको वीडियो बना के आपकी हेल्प प्रोवाइड कर सकें। आप भी चैनल के ग्रोथ में थोड़ा प्रोवाइड अपना हेल्प प्रोवाइड कर सकते हो। वीडियो को लास्ट तक देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। जहाँ पर भी आपको कोई डाउट है स्टूडेंट्स, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। वी विल ट्राई टू मेक वीडियोस एट द अर्लीस्ट फॉर सच रिक्वेस्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी दिवाली। स्टे ट्यून्ड।